जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के त्रिकोणमिति पर्चे का प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में सिद्ध करने के लिए 10 सवाल दिया है, इसमें से हम लोग पहला सवाल को देखेंगे। तो देर न करते हुए चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो लिखा है पहला सवाल, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस बायां पक्ष को लेंगे, हल करके हम लोग इस दाहिने पक्ष को लाएंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड चाहे बायां पक्ष। ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। उतार लेते हैं इसको, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग लेकर इसको हल करेंगे, हल करके ये लाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कोसेक थीटा और यहाँ पर लिखा है माइनस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर बनाया है। इधर लाना है हम लोग को कॉस, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉस लाना है, इसमें दिया है कोसेक और काट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इसको कोसेक और काट को साइन और कॉस के पदों में लिखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपन साइन थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। इन दोनों सूत्रों को यूज करेंगे इसमें। तो चलिए हल करते हैं। ये हो जाएगा हमारा कोसेक को लिखेंगे 1 अपन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपन साइन थीटा माइनस, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आएगा। अब क्या करते हैं हम लोग कि लॉस लेकर के इसको घटा लेते हैं, तो हम देख रहे हैं कि दोनों का हर समान ही है, साइन है यहाँ भी साइन है, तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा ऊपर जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब क्या करें कि दोनों को होल स्क्वायर ऊपर वाला ऊपर कर लेते हैं, नीचे वाला नीचे, ऊपर लाना है 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर वाला तो आ गया है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर भी स्क्वायर कर दें नीचे भी स्क्वायर कर दें। अब ये हो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा। सर्वसमका नंबर एक, सर्वसमका नंबर एक क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। इसी सर्वसमका की सहायता से साइन स्क्वायर थीटा का मान हम लोग रखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो रख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, मिटा दे रहे हैं, आएगा हमारा ऊपर तो है 1 माइनस कॉस्ट थीटा का होल स्क्वायर और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख देंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमको लाना है 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं ए स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर, ये हमारा एक का वर्ग करें तो एक ही आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक में होता है ए माइनस बी, इसी फार्मूले पर इसमें रख लेते हैं। तो इसको हटा दे रहा है, तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आएगा एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा और एक में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, एक में ए प्लस बी एक में ए माइनस बी। अब हम देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी नीचे है तो ये कट जाएगा पूरा, एक स्क्वायर इसमें से दो है तो एक कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, यही हमको लाना ही था 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर सीधे बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ, बस इतना ही सिद्ध करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।